जैसे इसके पहले प्रीवियस एक्सरसाइज में हम लोग किए साइड एंगल साइड 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 ये दो अब इस एक्सरसाइज में हम लोग करेंगे एंगल साइड एंगल और उसके बाद राइट एंगल हाइपोटेनस साइड तो चलिए शुरू करते हैं अब जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये है एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन अब इसमें देखिए फिगर ए बी सी एंड फिगर पी क्यू आर विच इज अ ट्राइंगल और इसमें बोला गया है दैट बी सी इज इक्वल टू क्यू आर यू कैन सी देन एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर राइट तो टू ट्राइंगल्स आर कॉल टू बी कॉन्ग्रुए इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड इंक्लूडेड साइड मतलब साइड उन दोनों एंगल के बीच वाला साइड जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं एंगल बी और एंगल सी के बीच में कौन सा साइड है साइड बी सी राइट सो टू ट्राइंगल्स आर सेट टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड और वन ट्राइंगल आर इक्वल टू टू एंगल्स एंड वन इंक्लूडेड साइड ऑफ दाइंगल तब वो कॉन्ग्रुएंट कहलाता है नाउ फॉर इंस्टेंस अगर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर है और बोला गया है दैट ए बी इज इक्वल टू क्यू पी क्यू तो क्या उस केस में हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है नहीं क्यों क्योंकि जो साइड है दैट इज नॉट इंक्लूडेड बिटवीन द टू एंगल्स तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना है अब नेक्स्ट जो है वो है राइट एंगल हाइपोटेनस साइड दो एज यू कैन सी इन द फिगर ये ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर ये जो कॉर्नर में बॉक्स है दैट मीन्स इट इज 90 डिग्री विच इज एंगल बी यहाँ देखिए एंगल क्यू पे भी बॉक्स बनाया हैंगल क्यू इज ऑल्सो नाइनटी डिग्री दैट मीन्स एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू और राइट नाउ अब ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है विच इज द लॉन्गेस्ट साइड हि एसी विच इज कॉल्ड दी हाइपोटेनिस ऑफ दैट ट्राइंगल सो दिस हाइपोटे दैट इज ए सी इज इक्वल टू पी आर राइट एंड देन उसके बाद वाला साइड जो होता है वन ट्राइंगल विच इज बी सी इज इक्वल टू क्यू आर सो टू राइट एंगल ट्राइंगल आर कॉल टू बी कॉन्ग्रुएट इफ दी हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल टू दी हाइपोटेनस एंड दी वन साइड ऑफ दी अदर दाइंगल राइट जैसा कि मैंने आपको क्लियरली यहाँ पे एक्सप्लेन किया The, in that case, these two triangles are congruent following the RHS rule of congruency. So, now we will begin with exercise 12.2. Question number 1 of exercise 12.2 The question is that you want to establish that triangle DEF is congruent to triangle MNP. ंगल साइड एंगल रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस यू आर गिवेन दट एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सो एंगल डी इज इक्वल टू एंगल एम रीजन क्या हो गया गिवेन नेक्स्ट दे हैव सेड दैट एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल पी दिस इज ऑल्सो गिवेन तो अगर हम लोगों को इस्टेब्लिश करना है एंगल साइड एंगल रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस तब हम लोगों को कौन सा साइड फाइंड आउट करना है दट इज द साइड इन बिटवीन द टू एंगल्स वो कौन सा साइड हो गया डी एफ एन एम पी सो बोला गया है वॉट एडिशनल इंफॉर्मेशन इज नीडेड टू एस्टेब्लिश द्रुन्स हेंस डी एडिशनल Information needed is that D F is equal to MP. Hence, they follow the rule of ASA of congruency. Now, question number two. I have already drawn the figure or the question here.

इज इक्वल टू एंगल ओ दिस इज ऑल्सो गिवेन फिर बोला गया है दैट ए टी इज इक्वल टू एन ओ ये भी गिवेन है राइट right? ये देखिए ये जो साइड है ए टी एंड एनओ दैट लाइज बिट्वीन टू एंगल इन बोथ द केसेस दैट मीन्स दीज टू ट्राइंगल्स फॉलो दी ए एस ए रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस हैं Triangle R A T is congruent to triangle N O W. Now question number three. If triangle ABC and triangle PQR are to be congruent, then name one additional pair of corresponding part and what criterion did you use? अब ये देखिए ये दो राइट एंगल टू एंगल है राइट right? यहाँ की बोला गया है एंगल बी इज नाइन्टी डिग्री कैसे पता नाइंटी डिग्री है क्योंकि ये बॉक्स है राइट सिमिलरली एंगल क्यू इज ऑल्सो नाइंटी डिग्री बिकॉज ऑफ द बॉक्स सो वी कैन से दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू गिवेन नेक्स्ट क्या दिया है एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर सो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर दिस इज ऑल्सो गिवेन तो अब यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया फॉलो कर रहे होगा हम लोगों को नो डाउट टू एंगल बोला गया है इक्वल है कॉन्ग्रुएंट है दैट मीन्स इसका थर्ड क्या हो जाएगा द साइड इन बिट्वीन द टू एंगल्स राइट तो दैट इज बी सी इज इक्वल टू क्यू आर सो बी सी इज इक्वल टू क्यू ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर फॉलोइंग एंगल साइड एंगल रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंट सी नाव बी सी इज इक्वल टू क्यू आर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दिस इज दी एडिशनल फेर